निवेश को बढ़ावा देने के लक्ष्य के साथ योगी सरकार के मंत्रियों की विदेशी उड़ान पर सियासत में घमासान छिड़ा है। दरअसल मंत्रियों की अलग अलग देशों की यात्राओं पर योगी सरकार का दावा बड़ा है। सरकार का दावा है कि मंत्रियों के विदेश यात्राओं से 6,72,800 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। अकेले अमेरिका से ही 4,00,000 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव आए। मेरे को यूएसए जाना था, अमेरिका, तो वहाँ पे न्यूयॉर्क और ये सैन फ्रांसिस्को गए, और वहाँ पे जो अब की यार मैंने देखा, मैं 2018 में भी पहले गया था, मगर अब की यार जो देखा तो एक माहौल बदला हुआ था उत्तर प्रदेश के प्रति। और अब की बार हमें कम आग्रह करना पड़ रहा था, वहाँ से निवेशकों का आग्रह या आवेदन ज़्यादा थे हमारे पास। और मैं इतना ही कह सकता हूँ कि जो एक संदेश वहाँ से मिला है, तो उत्तर प्रदेश इस समय भारत का नंबर वन डेस्टिनेशन इन्वेस्टमेंट का बन गया है। विदेशी निवेश को लेकर उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार की ओर से किए जा रहे इसी दावे पर समाजवादी पार्टी ने सवाल उठाया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर निवेश के दावों को झूठा प्रचार करार दिया। अखिलेश यादव ने लिखा, उत्तर प्रदेश में निवेश लाने के नाम पर मंत्रियों को जनता के पैसों पर विदेश घुमाया जा रहा है और छद्म करार करके झूठा प्रचार किया जा रहा है। भाजपा सरकार ये बताए कि पिछली बार निवेश के जो करार हुए थे उनका लेखा जोखा वो कब देगी, या वो भी 15 लाख ही जुमला के समान खोखले थे। अखिलेश यादव ने अपने इस ट्वीट के साथ आरोप लगाया कि अमेरिका में योगी सरकार ने ऐसी यूनिवर्सिटी के साथ करार किया है जिसका ऑफिस महज एक कमरे में चलता है और स्टाफ के नाम पर महज 25 लोग तैनात हैं। अखिलेश यादव का ये आरोप भाजपा को तीर की तरह चुभ रहा है। अखिलेश जी मुख्यमंत्री रहे हैं और ये निवेश कोई भारतीय जनता पार्टी की जेब में नहीं आ रहा है, ये उत्तर प्रदेश के लिए आ रहा है। 25 करोड़ जो जनता उसके लिए लेकर आ रहे हैं। तो जब कोई भी सरकार बाहर रहे, चाहे वो राज्य हो या केंद्र की हो, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है, जो राजनेता होते हैं, बड़े राजनेता होते हैं, कि वो उसके बारे में कोई ऐसी टिप्पणी ना करें जिससे छवि खराब होती है। इस बीच योगी सरकार अगले साल 10 से 12 फरवरी के बीच होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को सफल बनाने की कवायद में जुटी है। विदेशी कंपनियों के साथ देश के उद्योगपतियों को भी निवेश के लिए आमंत्रित किया जा रहा है।